स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे नवजात शिशु के कपड़ों को हमें किस तरह धोना चाहिए और किस तरह सुखाना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं अपने छोटे बच्चों के कपड़ों को किस तरह केयर करती थी ताकि बच्चा बीमार ना हो, बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और ये सब चीजें मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखी है, तो वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए दर्शक सब्सक्राइब करें। बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। घर में नन्ना मुन्ना आता है तो नए पेरेंट्स जो होते हैं उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि हमें बच्चों को केयर कैसे करनी है, बच्चों के कपड़ों की देखरेख कैसे करनी है, बच्चों को मसाज कैसे देना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नए पेरेंट्स के लिए एकदम नया होता है, लेकिन अगर हमारे घर में कोई बड़े होते हैं तो वो हमें कुछ राय देते हैं और हम उसे फॉलो करते हैं। हमारे बच्चे हो जाने के बाद जब भी घर में नवजात शिशु आ जाए तो उसके कपड़ों को लेकर के एक बहुत बड़ी मान्यता रही है कि अगर आपके बच्चों को स्वास्थ्यप्रद रखना है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी है, तो आपको थोड़ा उसके कपड़ों की तरफ ध्यान देना होगा। यानी कि उसके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, उसके ओढ़ाने का बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, उसका बिस्तर गंदा नहीं होना चाहिए, उसके आसपास धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, और ये सब चीजें हम ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जब बच्चा घर में आ जाता है तो हमें उसे कम से कम 3 या 4 बार उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। ऐसे में बच्चे के कपड़े अगर गंदे रहेंगे या फिर सुसु के कपड़े ही हमने वापस उसे पहना दिए हैं, तो ये चीजें अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा जल्दी से बीमार हो जाएगा। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चों के कपड़ों को हमें किस तरह से धोना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखें नई मम्मी या फिर जो भी पेरेंट्स है, कि अपने बच्चों के कपड़े हमेशा अलग रखिए, या तो एक ऐसी बास्केट बना ले जिसके अंदर आप नेपी नेपी एक तरफ रख लीजिए, उसके ऊपर के कपड़े अलग इसमें रख लीजिए, उसके ओढ़ाने का एक अलग रख लीजिए, इस तरह उसके बिस्तर को आप अलग रख लीजिए, और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को कपड़े को आप डेटॉल से जरूर, अगर हम डेटॉल से कपड़े धो लेते हैं तो सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं। और हमेशा हमें कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जैसे अगर बच्चे के पोटी वाले कपड़े हैं तो उनको अलग गुनगुने पानी में अलग से भिगो के रखें और फिर उन्हें अलग ही बाल्टी में रख करके अलग से ही धोएं, ताकि किसी भी प्रकार का मतलब इन्फेक्शन दूसरे कपड़ों पर ना लग सके। और इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए कि आप कभी भी कपड़ों को वॉशिंग मशीन में ना धोएं, यानी छोटे बच्चों के कपड़े जब तक हो सके तब तक आपको हाथ से ही धोने हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अगर बच्चों के नए कपड़े अगर है तो हमेशा उन कपड़ों को एक बार पहले वॉश करके फिर ही उनको पहनना है, क्योंकि नए कपड़ों में इनसे जो रेशेज होते हैं उससे बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों के कपड़ों से नए कपड़ों से हमेशा बच्चों के रेशेज होने का डर रहता है, उनके दाने निकल आते हैं, कई बच्चों की इस तरह से अलग ही फुंसे हो जाती है या कुछ और बीमारी हो जाती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। जब भी आप कपड़े लेके आए तो पहले उनको रख दीजिए, फिर उनको धोइए, उसके बाद ही काम में। अगर आप हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो कपड़ों को आप कभी भी बच्चों के कपड़े को इस तरह से कभी भी निचोड़े नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। पहले के जो हमारे पेरेंट्स से बड़े बुजुर्ग थे वो यही बात कहते हैं कि कपड़ों को हमें छोटे बच्चों को जैसे पानी में से निकाला और फिर उनको इसी तरह से रख दीजिए, जब उनका पानी पूरी तरह से निकल जाए उसी के बाद कपड़ों को धूप दिखाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि औरतों की आदत होती है कपड़ों को इस तरह से टाइट निचोड़ने की, लेकिन छोटे बच्चों के कपड़ों को कभी भी हम इस तरह से निचोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा धूप में जब भी आप कपड़े सुखाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप हमेशा उन पर पिन जरूर लगाएं कपड़ों पर, कि वो कहीं हवा में इधर उधर उड़ ना जाए। पहले जब कहा जाता था कि इस तरह से बच्चों के कपड़ों की बहुत केयर करते थे, कोई भी मतलब कौवा या कोई भी पक्षी इस तरह से कपड़ों को कहीं लेके ना चला जाए, तो इस बात का बहुत डर लगता था। और हमेशा कपड़े रात के टाइम अगर आपके बाहर सुखाते हैं बच्चों के कपड़े तो उन्हें रात के टाइम नहीं सुखाना चाहिए, उन्हें हमेशा आपको अंदर ले लेना चाहिए, यानी कि रात को आपको बालकनी हुई या कोई छत है तो आपको इस तरह से कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तो छोटे बच्चों के कपड़े हमेशा आप या तो पंखे में सुखा दीजिए, थोड़ी देर धूप दिखा दीजिए, या अगर छत पर सुखाते हैं तो आप पिन लगा दीजिए, इस तरह की सावधानी भी रखना जरूरी होता है। छोटे बच्चों के कपड़े हो गए, ओढ़ना हो गया या फिर उसके बिस्तर हो गया, हमेशा क्लीन रखिए और हमेशा चेंज करते रहे, यानी कि आपको बार बार वही नहीं पहनाना है, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सुसु किया उसको इस तरह सुखा दिया फिर उसी को आपने वापस काम में ले लिया, बिल्कुल इस तरह मत करिए। उसे डेटॉल के पानी में या गुनगुने पानी में एक बार निकाल लीजिए, उसके बाद उसे धूप लगा दीजिए, वही कपड़ा आप पहनाइए। छोटे बच्चों के कपड़े हमेशा बहुत सारे रखने चाहिए ताकि पहनाने में भी कोई समस्या ना हो, तब तक हो सके तब तक हाथ से ही कपड़ों को धोए, वॉशिंग मशीन का यूज ना करें।
साथ कभी भी मिला करके छोटे बच्चों के कपड़े को सरफ में ना भिगोए, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। यानी कि आपने जैसे पोटी वाला भी उसी में डाल दिया, या ऊपर का जो कुर्ता या उसका शर्ट है उसको भी उसी में डाल दिया, इस तरह का भी आप गलती ना करें। हमेशा कपड़ों को अलग अलग चीज आप उसमें भिगोए पानी में, और फिर बाद में ही उनको धोए। जैसे पोटी का है तो उसको अलग धोना है, सुसु का है तो उसे अलग धोना है, अगर ऊपर के कपड़े है तो उसे अलग धोना है, और अगर ओढ़ने का है तो भी उसे अलग धोना है। इस तरह से आपको सारे कपड़े अलग से धोने हैं, और फिर लास्ट में आपको डेटोल से पानी से गुनगुने पानी में से अच्छे से निचोड़ लेना है कपड़े को। और निचोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि पानी में इस तरह से निचोड़ना है, इसे हमेशा इस तरह से पानी में से निकाल के इसे लटका दीजिए, और फिर बाद में ही उसे सुखाइए। बच्चे जब तक रहते हैं तब तक हमें कपड़ों के बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा ये भी ध्यान रखें कि कॉटन के ही कपड़े यूज में लें आप, ताकि उससे गर्मी कम लगे, और अगर सर्दी का भी मौसम है तो भी कॉटन के कपड़े उनको अच्छे रहते हैं। हमेशा सॉफ्ट कपड़े चुने, यानी कि ज्यादा कड़क इस तरह का नायलॉन का कपड़ा, इस तरह के कपड़े का यूज ना करें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो अगर हम पेरेंट्स ध्यान रखते हैं हमारे आने वाले बच्चे के लिए या फिर नवजात शिशु के लिए, उनके कपड़ों के बारे में कि उन्हें कैसे सुखाया जाए, उसे किस तरह से धोया जाए, तो हमारे बच्चे भी बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं कुछ ऐसा ही करती थी हमेशा, अभी तक भी मैं छोटे बच्चों की जितना मेरा छोटा वाला बच्चा है उसके कपड़े में हाथ से ही धोती हूँ, कभी भी मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ। और बड़े बच्चे के अब बड़ा हो गया है 11 साल का, तो वॉशिंग मशीन में धोती हूँ। तो ये बात जरूर ध्यान रखें, और रात के टाइम बच्चों के कपड़े हमेशा अंदर ले लेने चाहिए, ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं जो सही बात होती है, हम माने या ना माने लेकिन ये बातें सही होती है। तो इस तरह से अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हमारे बच्चे बिल्कुल सही रहेंगे और स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा। तो अगर मेरे पास जो आइडिया थे मैंने आप सबके साथ शेयर किए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।